रात के तीसरे पहर की घड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुदूर गांव के पास एक अजीब और गरीब जगह थी, जिसे लोग चुड़ैलों का शहर कहते थे। ये शहर वर्षों से वीरान था और यहाँ से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आता था। आसपास के लोग इसके अस्तित्व से भी डरते थे और इस जगह का नाम लेने भर से उनकी रूह कांप जाती थी। हर कोई जानता था कि इस जगह पर एक खतरनाक शाप छाया हुआ था और वहां जाने का मतलब मौत को निमंत्रण देना था। इस भयावह शहर की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। कहा जाता था कि वर्षों पहले इस जगह पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां खुशहाली थी। लेकिन एक दिन कुछ अजनबी औरतें गांव में आईं। वे साधारण दिखने वाली औरतें नहीं थीं। उनके शरीर से अजीब सी गंध आती थी और उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, पर उन्हें क्या पता था कि यही उनका सबसे बड़ा और अंतिम गलती होगी। कुछ ही दिनों में गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। गायब होने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। गांव में डर फैलने लगा और फिर एक रात गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस रात एक औरत जिसका नाम सविता था ने देखा कि गांव के बाहर बसी उन अजनबी औरतों के पास कुछ लोग कैद थे। उन अजनबी औरतों ने उन लोगों की बलि चढ़ाई और उनके खून से अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही सविता ने यह सब देखा उसके कदम कांप गए। वह अपने घर की ओर भागी, लेकिन अजनबी औरतों ने उसे देख लिया था। वह भागती रही, लेकिन रास्ते में ही उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन सविता का शव गांव के मुख्य चौक में लटका हुआ मिला। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी आंखें सहन नहीं कर सकती। इस घटना के बाद गांव में बचा कोई भी इंसान वहां से भागने लगा। धीरे धीरे वह गांव वीरान हो गया और उसका नाम चुड़ैलों का शहर पड़ गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले हर व्यक्ति का अंत भयानक होता है। चुड़ैलें अब वहां का राज करती थी और वे हर रात उस शहर के आसपास मंडराती थी नए शिकार की तलाश में। लेकिन हर कहानी के पीछे कोई ना कोई दिलेर जरूर होता है। ऐसी ही एक युवा लड़की थी, रिया। वह एक साहसी पत्रकार थी और वह अजीबोगरीब कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने में विश्वास करती थी। उसे चुड़ैलों का शहर के बारे में सुनकर बेहद दिलचस्पी हुई। उसने फैसला किया कि वह वहां जाकर खुद देखेगी कि क्या सच में वहां चुड़ैलें रहती हैं या यह सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है। अपने दोस्तों और परिवार की मना करने के बावजूद रिया ने तय किया कि वह वहां जाएगी। उसने अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च ली और चल पड़ी उस भयानक जगह की ओर। रात का समय था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल के बीचों बीच से गुजरते हुए रिया को चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं मानो उसकी ओर बढ़ रही हों। लेकिन रिया ने अपना मन पक्का कर रखा था। वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर करना चाहती थी। कुछ घंटों के बाद रिया उस पुराने गांव के खंडहरों तक पहुंच गई, जिसे अब चुड़ैलों का शहर कहा जाता था। गांव में घुसते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई, मानो वहां किसी चीज का सड़न हो रही हो। घरों की दीवारें टूटी फूटी थी और हर जगह घास उग आई थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के चारों ओर काले धागों के बंधन थे और उसमें कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। रिया को समझ आ गया कि यह कोई साधारण गांव नहीं था। वह आगे बढ़ी और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी सामान्य नहीं थी, इसमें एक अजीब सी क्रूरता और भय था। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला और कैमरे के साथ आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसे एक पुराने मंदिर की संरचना दिखी। वह मंदिर अब टूट चुका था, पर उसमें से अब भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रिया ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वहां की दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह थे। तभी अचानक दरवाजे के पास हलचल हुई। रिया ने तुरंत कैमरे को उस ओर घुमाया और उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी।
वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे अब वहां से भागना होगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह परछाई अब पूरी तरह सामने आ गई। ये एक औरत थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा विकृत था और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रिया को समझ में आ गया कि यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग कहते थे। वह औरत धीरे धीरे रिया के पास आ रही थी और तभी रिया ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कई और परछाइयां मंडराने लगी। ये सभी चुड़ैलें थीं और वे रिया को चारों ओर से घेर रही थी। रिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैलें उसके पीछे थीं। भागते भागते वह उसी पुराने कुएं के पास आ पहुंची जहां उसे पहले अजीब चित्र दिखाई दिए थे। अब उसे समझ आया कि इस कुएं में कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। तभी एक चुड़ैल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और रिया ने दर्द के साथ चीख मारी। उसकी चमड़ी झुलसने लगी थी। रिया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कुएं में कूदने का फैसला किया, क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुएं में छलांग लगा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे नए एनिमेशन वीडियो देखने के हमारे चैनल एनडी गुरु को सब्सक्राइब करें।